मासूम बेटी को चलती ट्रेन से फेंकने के बाद पिता भी कूदा, दोनों को ही मौत। डेड़मा रेलवे हाल्ट के पास हुई घटना, पति पत्नी में हुआ था विवाद। वाराणसी जिले में मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के डेड़मा रेलवे हाल्ट के पास रविवार को दिन में करीब 12 बजे ट्रेन में सफर के दौरान दंपत्ति के बीच आपसी विवाद हो गया। वही पिता गुस्से में करीब 3 वर्षीय मासूम बेटी रोजी को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। इसके बाद 32 वर्षीय पिता हीरा भी ट्रेन से नीचे कूद पड़ा, जहां दोनों की मौत हो गई। बेटी को फेंकने वाला पिता की मानसिक स्थिति कमजोर बताई गई है। बताते हैं कि बिहार के दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत भवानीपुर गांव निवासी मुख्तार का पुत्र हीरा अपनी पत्नी जरीना पुत्री रोजी व साले फिरोज के साथ स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन में दिल्ली से सवार होकर दरभंगा जा रहे थे। बड़वाड़ी माधव सिंह रेलवे लाइन पर बैड़मा रेलवे हाल्ट के पास पति पत्नी आपस में विवाद करने लगे। इसके बाद पिता गुस्से में आकर मासूम बेटी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। वही बच्ची को फेंकने के बाद करीब 100 मीटर आगे बढ़ने पर पिता भी नीचे कूद पड़ा। तभी पत्नी व उसके भाई ने चेन पुलिंग कर नीचे उतरे। घटना को देख आसपास के ग्रामीणों की काफी भीड़ जुड़ गई। ग्रामीणों की सूचना पर खजूरी चौकी प्रभारी मौके पर पहुंच मृत मासूम व गंभीर रूप से घायल पिता को एम्बुलेंस की मदद से यच्चू ट्रामा सेंटर भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने हीरा को भी मृत घोषित कर दिया। पति व बेटी की मौत से पत्नी रोते रोते बेसुध हो गई।